खजुराहो पहुंचे आज एक विदेशी पर्यटक ने हिंदू रीति रिवाज के संग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करी। उन्हें कही कि बेग जापानी है लेकिन उन्हें हिंदू धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, जिसके तहत उन्हें हिंदू धर्म अपनाओ है और उन्होंने अपनो केजी सिमी नाम का बदल के हिंदी नाम सुमित भी रख लो है। इनको कहबो है कि विगत 2-3 वर्षों से ये हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित है और लगातार पूजा अर्चना भी करते हैं तथा ओम नमः शिवाय जय श्री राम के अलावा गायत्री मंत्र को भी बेहद शुद्ध उच्चारण इनके द्वारा करो गो है। तो हिंदू कमी सामा तो सुखाई रिलीजन in the world, so I want to be a Hindu. Okay, so you like Hindu religions? Yes. Mantra, please. Gayatri mantra. Om Namah Shivaya. And Gayatri mantra. Gayatri mantra. Om Bhuvasvaha Tasavitrubale Nambargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayatu. थैंक यू। आपका शुभ नाम? इंजीनियर ओम प्रकाश पटेल। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ हनुमान मंदिर में? आज बताइए एक ही बार में, ठीक है? आज मंगलवार है और हम सभी समाज प्रेमी लोग यहाँ प्रति मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करते हैं। हम लोग कार्यक्रम कर ही रहे थे, इसी दौरान एक हमारे विदेशी मित्र, चूँकि इनके बारे में मुझे जापानी नहीं आती तो मुझे पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन वो आए हैं और वो एक एफिडेविट लेकर आए हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं स्वेच्छा से हिंदू धर्म स्वीकार कर रहा हूँ, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को देखते हुए वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से मैं हिंदू बन गया हूँ। तो हम लोगों ने कहा, देखिए भाई, ऐसा है कि हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, हमारे सनातन संस्कृति के आराध्य प्रभु श्री राम हैं और त्रेता युग में 7 समुंदर पार जो उनका शत्रु था रावण, उसका भाई भी अगर सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर आया था तो उसका उन्होंने सम्मान किया था। तो ये हमारे जापान से मित्र आए हुए हैं और वो हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर हम लोगों के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। तो चूंकि हमारी भारत भूमि का तो इतिहास है अतिथि देवो भव, इसलिए हम सभी लोग अपने जो है अतिथि का स्वागत भी करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर इनका कभी पुनः जन्म हो मानव जगत में, तो अगर हिंदू धर्म से उन्हें इतना प्रेम है तो निश्चित तौर पर इसी हिंदुस्तान की धरती पर हो, ऐसी शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ। आज जो इन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में, तो क्या आपको लगा कि जिस तरह से हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया है तो कुछ इनके उसमें प्रभाव देखने को मिला कुछ ऐसा? देखिए भाई साहब, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हिंदू जो अपना धर्म है ये सबसे प्राचीन पितृ धर्म है, निश्चित तौर पर इनके पुरखे हिंदू ही रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश वो किसी अन्य देश में रहे हैं और हिंदू धर्म के जो मुख्य धारा है उसके अभाव में रहे हैं। आज तो वो हमें फिल्मी गाना याद आ गया, कब के बिछड़े हुए आज कहाँ आके मिले, कम से कम इतने दिन के बाद ही अगर वो हमारी संस्कृति में आए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से जो है हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ पुनः जन्म लें, भारत भूमि पर जन्म लें और हम लोगों के साथ मुख्य धारा में काम करें। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड चंपल के संवाददाता धीमान्य पत्रकार राजीव शुक्ला की, ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड चंपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।